अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं जुबैर शारिक। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। सेफ सिटीज अथॉरिटी के जेरे तमाम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्राइम स्टॉपर सर्विस बारे आगाही सेमिनार। चीफ लॉ एंड प्रोक्योरमेंट जफर जवेद मलिक और डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरीबा भट्ट की तलबा तलबात को ब्रीफिंग। पंजाब भर से गुज़िश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 72,900 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,690 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 55,074 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,056 इलेक्ट्रॉनिक चलान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 820 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। फैसलाबाद पुलिस की खातीन के तहफ्फुज के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। यूनिवर्सिटी तलबा को हॉस्टल में हरासा करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले के चुंगल से कैसे बचाया गया, वीडियो बुलेटिन का हिस्सा। लाहौर पुलिस इन एक्शन, शहरियों की नाक में दम करने वाले दीमा डकैत गैंग गिरफ्तार। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 45 वारदातें करने का एतराफ है जुर्म। कब्जे से नकदी मोबाइल फोन और असला बरामद। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गजी खान की अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। दरख्वास्तों पर समाअत के बाद दादरसी के लिए फौरी कार्रवाई के अहकाम। आरपीओ का कहना है कि इंसाफ की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। चूंग पुलिस का पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुलजमान गिरफ्तार। कब्जे से 2,500 पतंगे, 8 केमिकल डोर की चरखियां बरामद, मुकदमा दर्ज। सेफ सिटी के जेरे है तमाम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्राइम स्टॉपर सर्विस बारे आगाही सेमिनार का इनेकाद। चीफ लॉ एंड प्रोक्योरमेंट जफर जवेद मलिक और डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरीबा भट्ट ने सर्विस बारे ब्रीफिंग दी। सेमिनार में क्राइम स्टॉपर सर्विस नंबर पर जराइम की खुफिया इतला देने के तरीकेकार और तलबा तलबात को पंजाब पुलिस वुमन सेफ्टी ऐप की वर्किंग बारे भी बताया गया। दौरान ब्रीफिंग चीफ लॉ सेफ सिटी ने बताया कि पंजाब पुलिस जराइम की सरकूबी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही है। वुमन सेफ्टी ऐप में खातीन के लिए मजीद नए फीचर्स मुतारिफ करवाए गए। चीफ लॉ सेफ सिटी शहरी जराइम की खुफिया इतला देने के लिए क्राइम स्टॉपर्स नंबर 033 सेफ सिटी यानी 033-7233-2489 पर कॉल करें। सेफ सिटी वेबसाइट www.psca.gop.pk पर भी तस्वीर या वीडियो शवाहिद के साथ खुफिया मालूमात दी जा सकती हैं। सेफ सिटी क्राइम स्टॉपर सर्विस पर राब्ता करने वालों की शनाख्त किसी सूरत जाहिर नहीं होती। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। पेशावर दीमा डकैत गैंग के दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना नदीम उर्फ दीमा और इसका साथी रिजवान शामिल। मुलजमान से शहरियों से छीने गए मोबाइल फोन, नकदी और नाजायज असला बरामद कर लिया। फैसलाबाद पुलिस की खातीन के तहफ्फुज के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। यूनिवर्सिटी तलबा को हॉस्टल में हरासा करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले के चुंगल से कैसे बचाया, आइए देखते हैं। नेवर अगेन के स्लोगन के तहत खवातीन के हकूक की सलवी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन, नेवर अगेन। हमें 15 की एक कॉल रिसीव हुई है कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को हॉस्टल के अंदर एक गैर अखलाकी वीडियो बनाकर सेक्सुअली हरास किया जा रहा है, जिस पर मैंने फौरी अपनी टीम के हमरा रिस्पॉन्ड किया है और मौके से फीमेल को हमने रिकवर करवाया है और मुलजम को अरेस्ट करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए मुकदमा दर्ज किया है और मुलजम के खिलाफ हम शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं ताकि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके और माशरे में ऐसे ब्लैकमेलर्स को कैफे किरदार तक पहुंचाया जा सके। वज़ीरे आला पंजाब के विजन के मुताबिक खवातीन के हकूक के तहफ उसको यकीनी बनाने के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन के इकदाम जारी। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान की कैप्टन रिटायर्ड सज्जाद हसन खान की अपने दफ्तर में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान की अपने दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आरपीओ सज्जाद हुसैन खान ने साइलीन की दरखास्तों पर समात के बाद दादरसी के लिए फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी करते हुए मुतलका अफसरान को हदायत जारी की। आरपीओ का कहना है कि अवाम की दादरसी और इंसाफ की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस विजिट कर सकते हैं। देखते रहिए सेफ सिटी टीवी।